हेलो ब्रियन, हाउ आर हेलो मैम। हेलो मैम, आई एम फाइन मैम। फाइन मैम, टेल अबाउट यू। आई एम आल्सो फाइन। फाइन मैम, आई एम आल्सो फाइन। ओके बेटा, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर सेकंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मींस भोजन के घटक प्रकार नहीं, घटक 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 भोजन के yes, भोजन में क्या क्या कौन कौन से जो मिले होते हैं। रिपीट हो गया थी। अवर टॉपिक इज, हमारा टॉपिक आज का, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, जिसमें अलग अलग फूड आइटम जुड़े होते हैं। हो गया थी। अलग अलग फूड आइटम जो है किस किस से मिलके बने होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट से मिलके बने होते हैं फूड आइटम। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सभी को बुक दिख रही है स्क्रीन पर? यस मैम। आवाज जा रही सभी को? यस मैम। थोड़ी देर पहले मैम रिपीट करके आ रही थी। बेटा आप लोगों में किसी के माइक में प्रॉब्लम है, ऑन करता अरुण के माइक में प्रॉब्लम है, माइक ऑन करते हैं आवाज जो है डबल जाती है। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेक लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। इन फर्स्ट चैप्टर में हम फर्स्ट चैप्टर में क्या बनाया था, एक लिस्ट बनाया था फूड आइटम का जो हम ईट करते हैं। बेटा वन मिनट। यस मैम। क्या रीड कर रहे थे? इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने लिस्ट बनाया फूड आइटम का जो कि हम ईट करते हैं। ओके यस मैम। हम लोगों ने उसको भी उसका पहचान किया कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग स्टेट में क्या क्या फूड आइटम जो है ईट किए जाते हैं। आप सभी को मार्क करना था मैप में, अंडरलाइन करना था कि किस पार्ट स्टेट में क्या भोजन ईट किया जाता है। कितने लोगों ने इसको कंप्लीट किया था? किसने नहीं कंप्लीट किया? हम किए थे। किए थे कंप्लीट। ओके, अरुण ने कंप्लीट किया था। ओके। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। हमारा जो आहार होता है, मील मींस होता है आहार या भोजन, जो कि बना होता है किस चीज से? चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, अनदर में भी राइस, और भी दूसरा क्या हो सकता है? राइस हो सकता है, सांबर एंड अ वेजिटेबल्स, प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी जिसको कहते हैं। येट अनदर मील, और भी दूसरा मील हो सकता है, कुड बी अपम फिश करी एंड वेजिटेबल्स। ओके, ये हमारे भोजन में हो सकता है। कभी कभी जो है हमारे भोजन में राइस होता है, सांबर होता है, वेजिटेबल्स होता है, कभी जो है चपाती होता है, दाल होता है, ब्रिंजल करी होता है। ओके यस मैम। आगे देखते हैं एक्टिविटी वन। आवर मील्स यूजली हैव अ लिस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ ग्रेन। आवर मील्स यूजली, हमारा जो आहार होता है प्रायः जो है हमारे आहार में क्या होता है जो कि बना होता है काइंड्स ऑफ ग्रेन, एक ही काइंड ग्रेन के, एक ही प्रकार के अनाज से बना होता है हमारे भोजन में। ऐसा भोजन होता है जो कि एक प्रकार के अनाज से बना होता है। जैसे अगर हम भोजन करते हैं तो देखिए चपाती सभी लोग अक्सर ईट करते हैं, चपाती हो गया, राइस हो गया, सभी लोग ईट करते हैं ना। अब इसके साथ ले सकते हैं या फल सकते हैं या कोई और भी आइटम ले सकते हैं स्वीट डिश, लेकिन चपाती और राइस मेन होता है ना हमारे मील में। ओके, बाकी इसके अलावा आपको जो पसंद होता है आप उसके साथ ले सकते हो, पल्स है या आपको स्वीट डिश है या वेजिटेबल्स है, जो भी आपको अच्छा लगता हो, चपाती या इसके साथ ईट करना। यस मैम। इट मे आल्सो अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट्स एंड वेजिटेबल्स। कोई डिश हो सकता है, दाल है या कोई मीट है, मीट का कोई डिश या वेजिटेबल साथ में हो सकता है। इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड। इसमें और भी आइटम जुड़े होते हैं जैसे कि कर्ड। कर्ड मींस क्या होता है? दही। 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 में दही सकता है।
बटर मिल्क, बटर मिल्क एंड पिकल्स, पिकल्स भी अचार अचार मैम अचार Of meals from different regions are given in table 2.1. Some examples of meals, भोजन के कुछ उदाहरण जो हैं दिए हुए हैं from different region, अलग-अलग क्षेत्र के, यानी सबका क्षेत्र, region, क्षेत्र. तो यहाँ पे देखिए अलग-अलग प्रकार के क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के meal जो हैं यहाँ पे write किए गए हैं. Are given in table 2.1. ये टेबल 2.1 में जो है यहाँ पे रीजन लिख के नेम राइट है जो कि स्टेट होते हैं क्षेत्र और फूड आइटम के नेम यहाँ पे राइट है. ओके सेलेक्ट आइटम्स यू सेटेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1. आपको जो चैप्टर 1 में आपने फूड आइटम के नेम को राइट किया था टेबल में आपको उसमें से चूज करना है सिलेक्ट करना है. यस मैम. एंड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड इंटर दीज इन टेबल 2.1. उसमें से आपको कुछ मील्स जो है सेलेक्ट करने हैं और उसको जो वहाँ पे टेबल है 2.1 उसमें ऐड करने हैं जो आपने चैप्टर फर्स्ट में राइट किया था डिस स्टेट में किस स्टेट में क्या डिस ईट किया जाता है कौन से व्यंजन खाए जाते हैं कौन से राज्य में. तो उसमें से आपको कुछ आइटम को सेलेक्ट करते हुए कुछ रीजन को आपको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आपको इसको कम्प्लीट करना टेबल को. ओके यस मैम. आपको यस मैम राइट करने हैं कितना है यस मैम ईट किए जाते हैं आइटम ऑफ ग्रेन ग्रेन में क्या हो सकता है आइटम ऑफ दाल मीट मीट या दाल में क्या हो सकता है वेजिटेबल्स में क्या हो सकता है और अदर्स और भी जो साथ में हम लेते हैं. तो आपको उस टेबल को कंप्लीट करना है. ठीक है यस मैम. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैरायटी इन आवर मील. समटाइम्स कभी कभी We may not really have all this variety in our meals. हम अपने आहार में सभी प्रकार के भोजन को नहीं ले सकते हैं. मैम यस बेटा क्या पूछना है? मैम बीच में आवाज रुक जाती है. नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए बीच में आवाज रुक जाती है. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभी हमारे भोजन में सभी प्रकार के वैरायटी के फूड नहीं हो सकते हैं. इफ वी आर ट्रेवलिंग यदि हम यात्रा कर रहे होते हैं कहीं घूमने जाते हैं रास्ते में होते हैं वी मे ईट व्हाट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे. हमें वही खाने को मिलता है जो कि रास्ते में उपलब्ध होता है. अगर हम किसी यात्रा पर होते हैं तो उस समय रास्ते में हमें जो भी मिलता है वही खाने को हम पा सकते हैं. ठीक है नहीं कि पूरे पूरा व्यंजन खाने को मिलेगा हमें हमें जो रास्ते में उपलब्ध होगा उसी को हम वहाँ पे खा सकते हैं यात्रा में. दीपका अरुण वीडियो ऑन करिए बेटा. इट मे नॉट बी पॉसिबल या संभव नहीं हो सकता है फॉर सम ऑफ अस हम सभी के लिए संभव नहीं हो सकता है कि हम सभी प्रकार के भोजन को ईट कर सके ट्रेवल में यात्रा करते समय. टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम उस समय हम अलग अलग प्रकार के वैरायटी के भोजन नहीं ईट कर सकते हैं या पॉसिबल नहीं होता संभव नहीं होता है. देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रो व्हाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज. देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रो ऐसे कई सारे कारण होते हैं जो जिस कारण जो है उसमें आहार में हमारा आहार जो है उस वितर से बना होता है. ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें जो आहार में मिले होते हैं. डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्या हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है फॉर सम स्पेशल पर्पज कुछ विशेष उद्देश्य के लिए क्या हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है. चलिए बताइए. यस यस मैम. यस मैम किस चीज की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए कौन कौन से प्रकार के भोजन की. चलिए बताइए अंश पांडे. मैम दाल चपाती राइस एंड वेजिटेबल बस. चलिए महक आप बताइए.
मैम दाल चपाती एंड ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स बेटा इसमें से कोई बता सकता है कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है न्यूट्रिएंट्स मींस क्या होता है पोषक तत्व गुड तो न्यूट्रिएंट्स के कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम बता सकते हो आप यस मैम बोलिए मैम विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मैम पांच प्रकार के होते हैं मिनरल्स वाटर वाटर ओके गुड चलिए प्रिया आप बताइए बेटा प्रिया माइक ऑन करिए चलिए बताइए न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स तेने में बता सकते हो सिक्स यस सिक्स के नेम बताइए बेटा दीप का वीडियो ऑन करिए अभी आप लंड को बताना ठीक है चलिए मैं कहा बताइए मैम फाइव टाइप्स के मैम कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स विटामिन प्रोटीन्स एंड फैट्स सिक्स होते फाइव नहीं एक आपने छोड़ दिया बीच में चलिए अल्सा बताइए मैम आप बताइए न्यूट्रिएंट्स के नेम मैम न्यूट्रिएंट्स के नेम मैम कार्बोहाइड्रेट विटामिन फैट मिनरल वाटर प्रोटीन यस मैम विटामिन मैम विटामिन बताए काउंट करें कितना हुआ कार्बोहाइड्रेट विटामिन प्रोटीन वाटर धात्री उठेल मैम सिक्स सिक्स का नेम बोलिए बेटा माइक ऑन करके सिद्धात्री आप बोल रहे हो आवाज नहीं आ रही है मैम कार्बोहाइड्रेट मिनरल वाटर विटामिन प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल मिनरल चलिए महक बेटा आपका हो गया महक वीडियो ऑन करिए दीप का वीडियो ऑन करिए ओके मैम टाइप्स मैम दिए हैं बुक में हाँ दिए हैं बुक में अभी आप आगे पढ़ना ठीक है अब देखिए हमें आज की टॉपिक क्या रीड करनी है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स वह क्या है जो कि अलग अलग फूड आइटम जुड़े होते हैं जिससे अलग अलग फूड आइटम जो है बने होते हैं वी नो मैंने इसमें फाइव दिए गए क्या क्या दिया है रीड करके बताइए मैम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स मिनरल विटामिन फैट फैट वाटर नहीं लिखा हुआ है नो मैम वाटर भी होता है ओके क्योंकि सभी में वाटर मिला होता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब में वाटर मिला होता है यस मैम वाटर को भी हम उसमें ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स में ठीक है यस मैम वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट वी नो दैट ईच डिश हम जानते हैं कि अलग जो प्रत्येक डिश होते हैं यूजुअली प्रायः मेन्यूज बने होते हैं अब ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स एक या एक से अधिक खाद्य सामग्री को मिलाकर डिश बने होते हैं कोई भी डिश होता है एक या एक से अधिक खाद्य सामग्री को मिलाकर बना होता है ओके ऐसे यस मैम चपाती जो yes, ma'am. चपाती किस कौन कौन से इंग्रेडिएंट को मिला के बनता है वाटर एंड फ्लोर वाटर एंड फ्लोर ओके गुड राइस वाटर मैम वाटर एंड राइस व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल जो कि हम किससे पाते हैं प्लांट से एंड एनिमल से जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं
जिनके जिनसे मिलकर हमारा भोजन बना होता है। ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से एंड एनिमल से, पौधों से और जानवर से मिलके हमें मिलते हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओके दीज यस मैम इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो खाद्य सामग्री होते हैं, कंटेन्स भी बने होते हैं सम कंपोनेंट्स कुछ घटक से दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ओके जो खाद्य सामग्री होते हैं ये विशेष प्रकार के कंपोनेंट्स से बने होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ओके हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल आपको कंप्लीट करना है। सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स, यहाँ पे कुछ कॉमन मील्स के नेम राइट हैं जो कि अलग अलग स्टेट में ईट किए जाते हैं। स्टेट मीन्स राज्य होता है, रीजन भी बोलते हैं क्षेत्र। जैसे यहाँ पे है रीजन का नेम लिखा हुआ है पंजाब। पंजाब का आइटम क्या? आइटम आप ग्रेन, ग्रेन में कौन सा आइटम ईट करते हैं लोग? मक्के, मक्के की रोटी खाते हैं, कॉर्न बोलते हैं। ओके मक्के की रोटी ईट करते हैं ग्रेन के रूप में। नेक्स्ट है आइटम आप दाल, दाल में किसका ईट करते हैं? दाल मीट, राजमा, किडनी बीन्स, राजमा का दाल बनाते हैं जो कि किडनी के आकार का होता है। राजमा किसने लिखा है? यस मैम बनता है जो कि किडनी के आकार का होता है। किडनी बीन्स किडनी और बीन के आकार का, सेम के आकार का और किडनी के आकार का होता है। मैम उसकी सब्जी भी बनती है। हाँ सब्जी बनती है, दाल दोनों बनता है। ओके जैसे सोयाबीन का दाल भी होता है, उसकी सब्जी बनाते हैं सोयाबीन की हम, और दाल भी होता है सोयाबीन का, होता है ना? यस मैम। ऑयल भी होता है। यस मैम दाल भी होता है, सब्जी भी बनती है और उसका ऑयल भी बनता है। ठीक है से मस्टर्ड का आप सब्जी बनाते हो, उसके लीफ का उसका बीज होता है, उसके बीज का ऑयल भी होता है। जैसे पंपकिन हो गया, पंपकिन का आप उसका जो फल होता है उस सब्जी बना के खाते हो, और जो उसके फ्लावर होते हैं उसको तल के खाते हो पकौड़ी बनाकर, बनता है ना? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। वेजिटेबल में क्या ईट करते हैं लोग? सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी, और मैम मक्के की रोटी। मक्के की रोटी खाते हैं, ग्रेन, जो ग्रेन होता है अनाज में आता है मक्का। ओके और दाल में राजमा खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं। अदर्स मिस और भी साथ में क्या लेते हैं भोजन में? कर्ड, घी, दही लेते हैं, घी लेते हैं। जैसे हम लोग साथ में खाना खाने के साथ कर्ड लेते हैं, घी लेते हैं, पिकल लेते हैं, वैसे लोग भी लेते हैं। ठीक है देखिए यहाँ पे यहाँ के लोग क्या रीड करते हैं ग्रेन में? राइस, चावल। ओके आइटम ऑफ दाल मीट, दाल में इनका होता है मसूर दाल, एंड दसम चारू दाल है। ओके जिसको अरहर का दाल बोलते हैं, तूर दाल अरहर की दाल होती है। नेक्स्ट है कुंदरू। मैम भारत का मैम कुंदरू का नेम किसने सुना है? कुंदरू यस मैम मैम उसकी सब्जी खाते हैं, ये लोग कुंदरू की सब्जी खाते हैं। ओके सब्जी बनता है। अदर्स में क्या क्या है? बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब साथ में लेते हैं। तो और भी खुद से राइट करना सर्च करके और भी स्टेट के नेम। ठीक है कम से कम 10 तो कंप्लीट ही करना। आपको 10 स्टेट के नेम और राइट करने हैं, और क्या उसका जो डिश है आप यहाँ पे राइट करना की लोग क्या ईट करते हैं। आपको टेबल इसको कंप्लीट करना है नोटबुक में, यहाँ पे नहीं कंप्लीट होगा, इसको आप नोटबुक में राइट करना। ठीक है नोटबुक में ड्रा करना, कंप्लीट करके अभी सेंड करना। यस मैम आई एम ऑन। अरुण वीडियो ऑन कर लेते हो, वीडियो ऑन करिए बेटा। मैम ऑन है, दिख नहीं रहे हो। अब देखते हैं आगे हम लोग रीड करते हैं कहाँ पर थे। These components are called nutrients. जो components होते हैं जिनसे मिलकर भोजन बना होता है, ये components क्या कहलाते हैं? Nutrients कहलाते हैं, means पोषक तत्व कहलाते हैं।
पोषक तत्व. ओके, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, हमारे भोजन में जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स होता है वह क्या क्या है? नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, भोजन होता है वो रेशे से भी मिलकर बना होता है, रेशा होता है. ओके, रेशा से भोजन होता है. एंड वाटर, वाटर भी होता है. यस मैम. व्हिच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, फाइबर एंड वाटर. डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी फूड आइटम एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स से बने होते हैं? नो मैम, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड आइटम में. जैसे दाल, दाल में मुख्य कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है? प्रोटीन होता है दाल में. मैम प्रोटीन, दाल में प्रोटीन, प्रोटीन होता है. ओके, पोटैटो में क्या होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स पोटैटो में? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है. ओके, यस मैम. मिल्क में सारे मैम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. ओके, अगर मिल्क को उबाल देते हैं तो इसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है. विटामिन कई प्रकार के होते हैं, मिल्क अगर को हम अगर उबाल देते हैं तो इसमें विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है. कच्चे जो कच्चा मिल्क होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए मिल्क जो है हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी होता है. ओके, यूजफुल होता है. Do all food contains all these nutrients? Which, with some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contains one or more of these nutrients. With some simple method, कुछ तरीके हैं. We can test, हम टेस्ट कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं भोजन का, चाहे भोजन पका हुआ हो या कच्चा हो, कोई राम इंग्रेडिएंट हो, कच्चा कच्ची सामग्री हो, तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं उसमें देखने के लिए कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, इसका परीक्षण आपको करना है. ठीक है, द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपल टू डू as compared to the test for other nutrients. अगर हमें टेस्ट परीक्षण करना है तो हमें इसका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट का परीक्षण करना आसान है दूसरे न्यूट्रिएंट्स से. इन सभी न्यूट्रिएंट्स का जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, इनका परीक्षण करना आसान है. Let's do these tests and record all our observation in table 2.2. चलिए हम इसका परीक्षण करते हैं और जो अभी हम उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद से उसको रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड करके कहाँ पर राइट करेंगे? टेबल में 2.2 टेबल. 2.2 टेबल कहाँ पर है? ये रहा. ओके, इसमें हम इसको राइट करेंगे. यस मैम. फर्स्ट हमें क्या करना है? कहाँ पे गया? यहाँ से. फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, इस टेस्ट को करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी? यू विल नीड, आपको आवश्यकता होगी किसकी? सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन की आवश्यकता होगी, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की आवश्यकता होगी एंड कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा की आवश्यकता होगी. ओके, आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की और कॉस्टिक सोडा की. You will also need a few test tube. आपको इसके लिए कुछ टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता होगी, जिस परख नली बोलते हैं, परख नली, टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर, और ड्रॉपर की आवश्यकता होगी. Try these tests on cooked food items as well as raw materials. Try these tests.
इस टेस्ट को करने के लिए, इस परीक्षण को करने के लिए इसका हमें पके हुए भोजन पर करना जो है अच्छा होगा, जिससे जो हजार मटेरियल्स है उससे अच्छा होगा हम इसको पके हुए मटेरियल्स पे इसका परीक्षण करें, पके हुए भोज पदार्थ पर। यस मैम। टेबल 2.2 सो यू आर वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। टेबल 2.2 है ये आप क्या कर रहा है, टाइम भी होने वाला बेटा, क्या दिखा रहा है कि हम जो ऑब्जर्व करेंगे उसको कैसे राइट करेंगे। ओके आपको तरीका दिखा रहा है कि इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, कुछ फूड आइटम के नेम इस टेबल में दिए हुए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विथ डीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आप जो है जिसमें फूड आइटम दिए हुए हैं इस पे आप टेस्ट कर सकते हो या आप किसी दूसरे फूड आइटम पे अपना टेस्ट कर सकते हो, परीक्षण कर सकते हो। डू डीज टेस्ट केयरफुली, आपको ये टेस्ट ध्यान पूर्वक करना है, जो भी टेस्ट आप करना हो ध्यान पूर्वक करना। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। एंड डू नॉट ट्राई, किसी भी केमिकल जो रासायनिक युक्त पदार्थ होंगे उसको ट्राई करने की कोशिश मत करो, उसको खाने की कोशिश मत करना। टेस्ट करते समय जो रासायनिक पदार्थ होंगे उसको खाने की कोशिश मत करना। अब देखिए यहाँ पे टेबल में राइट है सारे फूड आइटम के नेम, आपको इसको टेस्ट करना है। ओके आप पोटैटो है, स्टार्च प्रेजेंट है इसमें, इसमें यस लिखा हुआ है, प्रोटीन है कि नहीं है, फैट है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप इसको टेस्ट करना, इसका परीक्षण करना, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन होता है कि नहीं होता, फैट होता है कि नहीं होता है। इसलिए पहले आपको रीड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, फिर इसको आप कंप्लीट करना। अब पहले हम टेस्ट करेंगे किस चीज का, इन द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलो। अगर आपका ये जो इसका रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है कि किसी हमें परीक्षण करना है, कि आपके टीचर जो कहेंगे आपको उसी चीज का परीक्षण करना रहेगा। ठीक है, लेट्स बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स। तो चलो हम अलग अलग फूड आइटम के बारे में टेस्ट करते हैं, टू सी इफ दे कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, क्या वे कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए हैं कि नहीं। अब पहले हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर। द मेन कार्बोहाइड्रेट, जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है, मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है, फाउंड इन आवर फूड, हमारे भोजन में मिलता है, और इन किस रूप में मिलता है, स्टार्च एंड सुगर के रूप में मिलता है। स्टार्च एंड सुगर के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में मिलता है। ओके वी कैन इजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च, वी कैन इजिली टेस्ट, हम आसानी से उसका परीक्षण कर सकते हैं उस फूड आइटम का जो कि स्टार्च से जुड़ा होता है। स्टार्च होता है उससे जो फूड आइटम जुड़ा होता है उसको हम आसानी से उसका निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी टू है, टेस्ट फॉर स्टार्च, हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे कि फूड आइटम में स्टार्च है कि नहीं है। ओके सबसे पहले इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या राइट है, नहीं रीड हुआ ना ये, अ डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। ओके आयोडीन का टन जो है विलयन बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, जल में जो परख नली में जल है उसको आधा, उसमें परख नली में आधा जल हो उसमें हम आयोडीन का टिंचर डालेंगे, आयोडीन का कुछ बूंद डालेंगे वाटर में। देन है कॉपर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर।
हमें कॉपर सल्फेट बिलियन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर में के जल में 2 ग्राम कॉपर डालना है, उसको घोलना है अच्छे से। अब आगे देखते हैं, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। हमें 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डालना है कॉस्टिक विलयन बनाने के लिए। अब देखते हैं एक्टिविटी 2, हमें क्या करना है, टेस्ट फॉर स्टार्च। पहले हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे, फूड आइटम में स्टार्च का टेस्ट करेंगे, स्टार्च का परीक्षण करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ऑफ द इंग्रेडिएंट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, हमें थोड़ी मात्रा में फूड लेना है, भोजन लेना है, कोई खाद्य पदार्थ और इंग्रेडिएंट या कोई कच्चा पदार्थ ले सकते हो। Put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. आपको इसमें इस food item में 2 से 3 बूंद क्या डालना है, iodine डालना है। इस food item में आपको 2 से 3 बूंद जो है iodine डालना है, जो iodine का घोल बनाया आपने उस घोल को इसमें डालना है। फिगर में दिखाया जा रहा है, ये रहा test for starch, ये फूड आइटम है, इसमें आयोडीन का घोल डाला जा रहा है इसके ऊपर। अब देखते हैं क्या होगा। अब जब इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, आपको निरीक्षण करना, देखना है कि फूड आइटम में कोई चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसके कलर में क्या चेंजेस हुए हैं, उस फूड आइटम के कलर में क्या चेंज हुआ है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक कलर में बदल गया है कि नहीं, क्या इसका कलर जो है ब्लैक हो गया है, ब्लू हो गया है, क्या कलर इसका चेंज हुआ है कि नहीं। टेस्ट ट्यूब सैक, यहाँ पे नहीं था, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उस फूड आइटम में फूड आइटम का कलर जो है चेंज होके ब्लू या ब्लैक हो गया है तो समझो कि संकेत कर रहा है किस चीज का, कि फूड में स्टार्च है, उस भोज पदार्थ में स्टार्च की मात्रा है। ओके अगर वह जो है फूड आइटम चेंज हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक कलर में हो जाएगा आयोडीन का घोल डालने से, तो समझना कि उसमें स्टार्च है। ओके यस मैम। रिपीट दिस टेस्ट, आप इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हो, दोहरा सकते हो विद अदर फूड आइटम, दूसरे फूड आइटम पे आप इसको कर सकते हो। टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन्स स्टार्च, क्या ये स्टार्च से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब आपको ये जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया, उसको आपको 2.2 टेबल में राइट करना है। ओके जैसे यहाँ पे किया गया रहा पोटैटो का, तो इसमें स्टार्च होता है, इसलिए यहाँ पे यस राइट किया गया है, प्रोटीन नहीं होता है, राइट करना, फैट भी नहीं होता है, तो यहाँ पे नो राइट करना। बाकी मिल्क, मिल्क में स्टार्च नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं राइट, आपको नो राइट करना है। ठीक है, मिल्क में प्रोटीन होता है, प्रेजेंट प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन पे यस करना। ठीक है Yes, ma'am. और इसमें फैट भी होता है, तो यहाँ भी टेस्ट करना आप। ठीक है, बाकी हम आप लोग इसको कंप्लीट करना, टाइम ओवर हो गया है, दूसरी एक्टिविटी हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। हमें टेस्ट करना है किस चीज का, yes, ma'am. अभी हमने स्टार्च का टेस्ट किया, अब हमें टेस्ट करना है प्रोटीन का, किसका करना है, yes, ma'am. प्रोटीन का करना है, प्रोटीन का टेस्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, जितना पढ़ाएगा सबको आ गया समझ में, पूरा अच्छे से आ गया ना। यस मैम। कवर का आपका ये रहेगा, आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, कर सकते हो ना ये। यस मैम। तो अभी कंप्लीट करके सेंड करना, आप इसको सर्च करना गूगल पे अलग अलग राज्य के भोजन के बारे में, फिर कंप्लीट करके सेंड करना। ठीक है, अभी आपको हम वर्स मीनिंग शाम तक सेंड कर देंगे, चैप्टर सेकंड की वर्स मीनिंग आप सभी लोग राइट कर लेना। ठीक है, यस मैम, अभी टाइप करके सेंड कर। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, मैम गुड बाय, गुड बाय बेटा, गुड बाय।